डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नीट 2020 के कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं, जिसका सलूशन मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है जो नीट 2020 में पूछा गया है केमिस्ट्री में, वह यह है विच ऑफ दी फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाई ऊर्ज रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शन का नाम लिखा हुआ है, ऊर्ज रिएक्शन है, और कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन 2,3-डाईमिथाइलब्यूटेन है, दूसरा एन हेप्टेन है, तीसरा एन ब्यूटेन है और चौथा एन हेप्टेन। ऊर्ज रिएक्शन के बारे में हम ब्रीफ कर देते हैं आपको कि जब दो अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तब अल्किन फार्म होता है। तो इसमें रिएक्टेंट क्या है, दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड। ईथर सॉल्वेंट है सोडियम मेटल, फॉर्मेशन क्या होता है, अल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये अल्केन दिए हुए हैं चार ऑप्शंस के रूप में। इसमें आपको बताना है कि किसकी यील्ड अच्छी नहीं होगी, कैन नॉट बी मेड इन गुड गुड यील्ड। गुड यील्ड का मतलब जिसका फॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा वो बताना है। तो पहला ऑप्शन 2,3-डाईमिथाइलब्यूटेन है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दिया है, इसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है। दूसरा है एन हेप्टेन है, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये लिखा हुआ है, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है। एन ब्यूटेन का देखें, CH3, CH2, CH2, CH3। एन ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, 4C है। एन हेक्सेन का देखिए, CH3, CH2, 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 CH3। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, 6 कार्बन एटम है इस प्रोडक्ट के अंदर। आंसर कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर एक सेंटेंस का है, वह अल्केन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑड हो, ऑड मीन्स 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और विषम संख्या वाला, तो उसका फॉर्मेशन कम होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ये यही सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। अब इसका आंसर क्या होगा, या हिंट या की पॉइंट इसका क्या है, की पॉइंट यही है, द अल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन कैन नॉट बी मेड इन गुड इल्ड। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर इज सेकेंड, आंसर 2 इज करेक्ट। द अल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड। जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो जब एक अल्काइल हैलाइड और दूसरे अल्काइल हैलाइड में, थोड़ा सा और विस्तार में देना चाहता हूँ कि अगर इवन है, दो अल्काइल हैलाइड हैं, जैसे ए और एक्स है, ये सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। उत्तर तो मैं इसका दे चुका हूँ, केवल आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और एंड -2x हो गया, ये दिस इज योर प्रोडक्ट हो गया, दिस इज प्रोडक्ट। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जैसे एक अल्काइल हैलाइड का फ्री रेडिकल बना, अगर इवन है कार्बन, इवन कार्बन इसके पास है, इवन कार्बन, इवन सी मन इवन कार्बन, और इसके पास भी अगर इवन कार्बन है तो प्रोडक्ट में कार्बन कैसा होगा, प्रोडक्ट का कार्बन भी इवन कार्बन होगा, इवन कार्बन इन प्रोडक्ट। इस अल्काइल हैलाइड यानी एक कंपोनेंट में इवन कार्बन है, दूसरे कंपोनेंट में भी इवन कार्बन है, तो प्रोडक्ट का जो कार्बन होगा इवन होगा और गुड यील्ड होगी, गुड यील्ड।
सेकंड उसमें है कि अगर ऑड कार्बन एक में हो दूसरे में भी ऑड ही हो तो ऑड और ऑड मिलके इवन हो जाते हैं। आपको पता होगा कि ऑड और ऑड मिलके इवन हो जाएंगे, जैसे 3 + 3 = 6 हो गया, 1 + 5 = 6 हो गया, 3 + 5 = 3 + 7 = 10 ये भी इवन हो गया। तो ऑड प्लस ऑड बिकम्स इवन, तो ये भी सी है इवन कार्बन, इवन कार्बन। ऐसे प्रोडक्ट का यील्ड अच्छा आता है, यील्ड माने इसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, इसको यील्ड कहते हैं, अधिक मात्रा में बनेगा उसको गुड यील्ड कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो, ये तो बढ़िया बढ़िया है, जो इसमें अगर ये इवन सी हो जाए, इवन सी और इसके साथ ऑड सी हो जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह कैसा होगा, ऑड होगा, ऑड कार्बन होगा, नॉट गुड यील्ड, नॉट गुड यील्ड, कम मात्रा में बनेगा। या अगर ये ऑड हो, ऑड कार्बन हो और यहाँ इवन कार्बन हो तो ऑड और इवन मिल करके भी ऑड बनाते हैं, ऑड है ऑड सी, नॉट गुड यील्ड, नॉट गुड यील्ड, इन दोनों कंडीशन में नॉट गुड यील्ड है। अब आपका जो ऑप्शन सेकेंड है, इन ऑप्शन सेकेंड हेप्टेन है, इन ऑप्शन सेकेंड लिखा हुआ एन हेप्टेन, ये प्रोडक्ट है। अब एन हेप्टेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 7 है, नंबर ऑफ कार्बन्स या कार्बन एटम्स बराबर 7, तो यील्ड कैसी होगी, नॉट गुड यील्ड, नॉट गुड यील्ड। और नॉट गुड यील्ड होने का एक कारण और है जो बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अगर इवन का फ्री रेडिकल बना और ऑड का फ्री रेडिकल बना तो ऑड और इवन का फ्री रेडिकल मिल सकते हैं, इवन इवन का फ्री रेडिकल कपल कर सकते हैं, ऑड ऑड का फ्री रेडिकल कपल कर सकता है। दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये आती है क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाते हैं, मेन प्रोडक्ट के अलावा उसमें दूसरे बाई प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, इसलिए पुअर यील्ड हो जाती है। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो एक लाइन का आंसर यह है कि ऐसे सवाल जब पूछे जाएं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ऊर्ज प्रोडक्ट जो बनता है, ऊर्ज रिएक्शन से जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है या फॉर्म हो रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं। अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं तो उस प्रोडक्ट की का प्रोडक्शन अच्छा होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन उस प्रोडक्ट के अंदर हैं तब क्या होगा कि उसकी यील्ड अच्छी नहीं होगी, अर्थात उसका फॉर्मेशन बहुत अच्छा नहीं होगा। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल जो है एमिनो एसिड पर है, किससे संबंधित है, उसमें आपको ये बताना है कि दिया हुआ एमिनो एसिड में कौन सा एमिनो एसिड ऐसा है जिसका करेक्टर बेसिक है, बेसिक एमिनो एसिड। यह भी एक कॉन्सेप्ट का ही सवाल है जो बायोमॉलिक्यूल से संबंधित है, बायोमॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड सारी बायोमॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड। इसमें ए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एलानिन, दूसरा ऑप्शन लिखा है टायरोसिन, टायरोसिन, तीसरा ऑप्शन लिखा है लाइसिन और चौथा ऑप्शन है आपका सीरीन, सीरीन। ये चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनका नाम के आधार पर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा इसमें बेसिक है। एलानिन से कुछ पता नहीं चलेगा, टायरोसिन से नहीं पता चलेगा, लाइसिन और सीरीन दिखने से पता नहीं चलेगा, किससे पता चलेगा,
कौन सा एमिनो एसिड बेसिक होगा, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना होगा। इसलिए स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर फार्मूला याद रखें, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इसे एलेलिन है, ACH3 CH2 NH2 है, CH CO2H। ये एलेलिन का फार्मूला है। टायरोसिन का फार्मूला क्या है? इसका एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और फिनॉल माइटी जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन हटाइए और फिनॉल माइटी जोड़ दीजिए। ये फिनॉल ग्रुप है, इसमें जोड़ दीजिए CH NH2 CO2H। तो इस एलानिन में फिनॉल माइटी जोड़ने से टायरोसिन हो गया। अब आपको लाइसिन बनाना है, तो इसी एलानिन में से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाइए और एन प्रोपाइल एमीन जोड़िए, एन प्रोपाइल एमीन। तो एन प्रोपाइल एमीन NH2, प्रोपाइल ग्रुप सीधे सीधे लिख दीजिए नॉर्मल ऐसा, और इसके एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए। मैं आपको याद करने का तरीका समझा रहा हूँ, CH2 CH NH2 CO2H। फिर सेरीन है, ये हाइड्रोक्सी एलेनिन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाइए OH के द्वारा, तो ये हो जाएगा। इसमें याद करने का भी एक ट्रिक है, कैसे स्टूडेंट याद करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चार एमिनो एसिड्स आपके सामने मैंने लिख दिया। देखिए एलेनिन है CH3 CH NH2 दिस वन। अब इस एलेनिन के एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाइए, किसके द्वारा? फिनॉल मोइटी के द्वारा हटाइए, फिनॉल मोइटी है, इसके द्वारा हटाया गया है, तो ये हो गया टायरोसिन। लाइसिन के लिए क्या चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का मोइटी जो है एन प्रोपाइलेमिन, इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाइए और एन प्रोपाइलेमिन जोड़ दीजिए, तो लाइसिन हो जाएगा। फिर सेरीन के लिए क्या है कि इसमें से एक हाइड्रोजन हटाइए OH के द्वारा, OH आ दिया तो सेरीन हो गया। अब इस स्ट्रक्चर फार्मूला को देखकर आपको बताने में सुविधा होगी। किस आधार पर सुविधा होगी, उसका फंडा क्या है? तो जैसा आप जानते हैं कि NH2 ये बेसिक ग्रुप है, CO2H क्या है? एसिडिक ग्रुप। जब NH2 मॉलिक्यूल में एक हो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी एक हो तो क्या होगा? व्हेन, ये पॉइंट याद रखिए, NH2 बेसिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एसिडिक ग्रुप है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ये दोनों बराबर हैं, NH2 = CO2H, जितनी संख्या NH2 की हो उतनी संख्या एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हो, तो एसिड कैसा होगा? न्यूट्रल एमिनो एसिड हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ लिखता हूँ, यदि NH2 इज ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी NH2 ग्रुप की संख्या अधिक हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या कम हो, तब क्या होगा? बेसिक एमिनो एसिड होगा, यही फंडा है इसका। अगला पॉइंट क्या है, NH2 अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज़्यादा हो तब ये एसिडिक एमिनो एसिड। ये फाइव फंडामेंटल्स आपको याद करने होंगे इसका आंसर देने के लिए। जब ये NH2 ग्रुप बेसिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप है, क्यों मैं इसकी चर्चा करता हूँ? क्योंकि ये दोनों ग्रुप एमिनो एसिड के अंदर पाए जाते हैं, NH2 भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। जब ये दोनों की संख्या बराबर होती है तो न्यूट्रल होता है, जब NH2 की संख्या ज़्यादा होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो वो बेसिक हो जाएगा, और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या ज़्यादा होगी NH2 से तो वो एमिनो एसिड एसिडिक होगा। ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट है जो याद रखना पड़ेगा। अब आइए सवाल पर चलते हैं। एलालिन को देख लीजिए, इसमें जो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक है, NH2 ग्रुप भी एक है, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब न्यूट्रल है, ये आंसर नहीं हो सकता।
राइट। अब नाउ यहाँ देखिए, यहाँ पर NH2 एक है और कार्बाइली ग्रुप एक है, ये न्यूट्रल कर दिया। अब आइए इस OH ग्रुप के ऊपर आइए, यह जो फिनॉल का OH ग्रुप होता है उस लाइटली एसिडिक होता है। फिनॉल का जो फिनॉलिक जो ग्रुप होता है, फिनॉलिक OH एसिडिक होता है, इसलिए बेसिक हो नहीं सकता, इसलिए भी आंसर गलत हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। इस मॉलिक्यूल में देखिए, ये CO2 एक है और NH2 दो है, तो कौन सा ग्रेटर है? ये NH2 इज ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, द नंबर ऑफ NH2 इज ग्रेटर देन द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो इसलिए ये आंसर सही होगा। सीरीन में देखिए, यह भी NH2 एक है, यह एक है, ये दोनों दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। अब इसके बारे में देखिए, यह अल्कोहलिक OH है, इसलिए कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, तो इसलिए यह भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। एनालिन भी न्यूट्रल है, बेसिक नहीं है। और टायरोसिन जो है स्लाइटली, दिस इज स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? कि लाइसिन यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट, तो आंसर इज 3, आंसर इज 3, ये करेक्ट आंसर है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया और एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। NH2 ग्रुप को जानिए कि ये बेसिक होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जानिए कि एसिडिक होता है, जब दोनों की संख्या बराबर बराबर है तब वो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ भी बराबर बराबर है, यहाँ भी बराबर बराबर है, यहाँ पर OH फिनरिंग से जुड़ा हुआ है इसलिए एसिडिक है, इसलिए टायरोसिन स्लाइटली एसिडिक होगा। लेकिन आपको उत्तर तो बेसिक के बारे में देना है। लाइसिन इसमें देखिए, यह NH2 दो है और यह किए है, तो यह इसको उदास कर देगा, न्यूट्रल बना देगा, ये बच जाएगा जो बेसिक है, इसके वजह से लाइसिन बेसिक एमिनो एसिड है। और वही स्थिति सीरीन में भी है, तो यही इस क्वेश्चन का सलूशन है। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ। अगला सवाल, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ये भी बायोकेमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। फोर ऑप्शंस में, पहला ऑप्शन पॉली ब्यूटाडाइन स्टायरीन, दूसरा ऑप्शन पॉली ब्यूटाडाइन, तीसरा ऑप्शन है एक्राइलोनाइट्राइल और चौथा ऑप्शन है सिस 14 पॉली आइसोप्रीन। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि इसमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा है। देखिए कैसे पकड़ेंगे, ये जो ब्यूटाडाइन है और स्टायरीन है, ये सिंथेटिक पॉलीमर है। ब्यूटाडाइन और स्टायरीन को मिला के पॉलीमराइज किया गया है, ये सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है, तो दिस इज सिंथेटिक पॉलीमर।
सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब जो प्रयोगशाला में बनाया गया है। इसी तरह से पॉलीब्यूटाडाइन है, यह भी सिंथेटिक है, सिंथेटिक पॉलीमर है। यह भी जहाँ दो नाम आया है, ब्यूटाडाइन और एक्राइलोपायर, एक्राइलोनाइट्राइल है, दोनों को मिला के लैब में बनाया गया है, यह भी सिंथेटिक है। तीन सिंथेटिक हो गया, तीन पॉलीमर सिंथेटिक है, अब एक ही बचा हुआ है। दिस इज द करेक्ट आंसर इज फोर। सिस 1-4 पॉली आइसोप्रेन इज द नेचुरल पॉलीमर, इसका नाम है रबर। सिस 1-4 पॉली आइसोप्रेन नेचुरल पॉलीमर है, जिसका दूसरा नाम है नेचुरल रबर। अब यह नाम क्यों सिस पड़ा, 1-4 नाम क्यों पड़ा, पॉली आइसोप्रीन क्यों पड़ा, तो इसका आंसर हम आपको दे रहे हैं। सोल्यूशन इसका क्या है, सोल्यूशन मोनोमर इसमें है, मोनोमेरिक, मोनोमेरिक यूनिट इज आइसोप्रीन, इज आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन क्या है, आइसोप्रीन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो ये है, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये दिस वन, ये आइसोप्रीन है। इसको कहते हैं 2-methyl-1,3-butadiene, 2-methyl-1,2,3,4, 2-methyl-1,3-butadiene, इसी को आइसोप्रीन कहा जाता है, आइसोप्रीन मोनोमर। जब इसको पॉलीमराइज करते हैं तो डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का होता है, एंड पॉलीमराइजेशन डीलोकलाइजेशन, ये यहाँ चला आता है, ये यहाँ चला आता है। होता क्या है कि यहाँ पर CH2 बन जाता है, एक मॉइटी इधर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो जाता है, ये पॉलीमराइज करता है। यह तो मैंने एक यूनिट को लेकर आपको दिखलाया है कि इस तरह से पॉलीमराइजेशन के दौरान डाइपोल क्रिएट होता है, और ये डाइपोल जो होते हैं अपने अपोजिट पोल से इंटरेक्ट करते हैं और पॉलीमर जेट को बनाते हैं। अब कैसे पॉलीमराइज होता है, इसको मैं आपको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके दो फार्म है लिखने का, इट इज रिप्रेजेंटेशन इज एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते, डबल बॉन्ड को बीच में ला दीजिए ऐसे, इसको ऐसे कर दीजिए, ये आपका यहाँ CH3 हो जाएगा, ये CH3, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है, और यहाँ पर H है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस रूप में पॉलीमराइज करता है। तो इसको जब दोनों एक साइड में है तो इसको सिस कहते हैं, या अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH3 है, ये आपका H है, तो यह भी सिस फॉर्म में, क्योंकि डबल बॉन्ड के एक ही साइड में दोनों CH2 आ रहा है, दोनों जो सेम है वो एक साइड में आ रहा है, इसलिए सिस हो गया, यह भी सिस है। तो दिस इज सिस रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज सिस रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम इसको कंप्लीट शो करें तो इसका पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, आपका एक यूनिट लिख दिया CH3 डबल बॉन्ड लाइक दिस, CH2 यहाँ पर लिख दिया CH2,
CH2 यहाँ पर हाइड्रोजन है एक यूनिट, ये जिस डबल बांड के सेम साइड में दोनों CH2 का ओरिएंटेशन है इसलिए शीर्ष है। दूसरा ऐसा लिख लीजिए आप, इसे ऐसा है, ये कर लीजिए CH3 CH2 ये H CH2 एंड दिस इज H। एक रिप्रेजेंटेशन और अगर ऐड कर दें, देखिए ये भी शीश है, इधर से देखिए शीश है, क्योंकि दोनों एक ही तरफ ओरिएंटेड है, यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ है निगेटिव, यहाँ है निगेटिव, यहाँ है पॉजिटिव। एक और यूनिट लिख देता हूँ, ये CH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH3 CH CH2 निगेटिव, तीन यूनिट हमने डाल दिया। आइसोप्रीन की थ्री यूनिट अभी अलग अलग दिखाई दे रही हैं, पॉलीमर नहीं बना अभी, अलग अलग मैंने शो किया आपको समझाने के लिए, केवल शीर्ष बताने के लिए मैंने ये ऐसा लिख दिया। डबल बॉन्ड के एक ही साइड में दोनों CH2 है तो शीर्ष हो गया, डबल बॉन्ड के एक ही साइड में CH2 है ये भी शीर्ष हो गया, डबल बॉन्ड के ये भी शीर्ष है। अब शीर्ष का ज्योमेट्री बता दिया, अब 1-4 क्यों है, क्योंकि ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, वहाँ पर भी 1, 2, 3 एंड 4 है। अब इसके बीच में ये ऐसे ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर जाएगा, फिर ये यहाँ से ऐड कर जाएगा, तो इनका जो पॉलीमर जनरेट होता है वह एक यूनिट दूसरे यूनिट से जो लिंक बनाती हैं वह 1 और 4 की लिंक है, 1 और 4 का लिंक है, इसलिए इसको हम 1-4 भी कहते हैं। तो इसका ज्योमेट्री जो होती है वो सिस 1-4 आइसोप्रीन कई हैं, पाली आइसोप्रीन कहलाता है, ये इसकी ज्योमेट्री है, इसलिए इसका कन्फिग्रेशन सिस है। लिंकेज जो इनके बीच में एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच बनता है 1 और 4 के बीच बनता है, ये 1-4 है। पाली इसलिए है कि मोर देन 2 आइसोप्रीन यूनिट लिंक्ड हैं टुगेदर, इसलिए पाली हो गया, और मोनोमर जो है वो आइसोप्रीन है इसलिए कलेक्टिव नाम हो गया पाली आइसोप्रीन, इसी को हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर। तो यही इसकी केमिस्ट्री है, आपको आंसर बता दिया, इसकी केमिस्ट्री समझा दिया। अब अगला सवाल लेकर इस पर आता हूँ, तो अगला सवाल बहुत सिंपल है, सिंपल तो सारे सवाल हैं, मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, एनिसोल से संबंधित है, एनिसोल के क्लीवेज से संबंधित है, वो मैं लिखता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन, एनिसोल ऑन क्लीवेज, एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ एच आई विथ हाइड्रोजन आयोडाइड में एच आई गिव्स, एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ एच आई गिव्स 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आई लगा हुआ प्लस CH3OH है, दूसरा ऑप्शन यहाँ भी आई लगा हुआ, फिर दूसरे ऑप्शन में भी प्लस C2H5OH है, तीसरा ऑप्शन है OH प्लस C2H5O आई है, और चौथा ऑप्शन है OH प्लस CH3I। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एनिसोल, एनिसोल का फार्मूला आपको जानना चाहिए, ये HI ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है अभी बता नहीं रहे, पहले मैं हल करता हूँ, या वैसे मैं इसको निशान बना कर लिख बता ही देता हूँ कि ये ऑप्शन करेक्ट है,
आंसर इसका फोर है, आंसर फोर है, करेक्ट है। अब एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको। एक्सप्लेनेशन में ये आपका एनिसोल है, ये CH3 बेंजीन रिंग है, तो यह ईथर है। एनिसोल जो है वो एक तरह का ईथर है, एनिसोल ईथर है, फेनाइल मिथाइल ईथर है, और रिएक्शन हो रहा है एच आई से या एसिड है। इस ईथर के अंदर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कि ये प्रोटॉन है और आयोडाइडाइन है, तो इसका प्रोटोनेशन इसके साथ होगा। तो पहला स्टेप तो इसके प्रोटोनेशन का है, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा, ऑक्सोनियम आयन वो CH3 प्लस, इसका एक लोन पेयर खर्च हो चुका है, प्रोटोनेशन हो गया, ऑक्सोनियम आयन बना, ऑक्सोनियम आयन हुआ। अब ऑक्सोनियम आयन क्या शेष बचा, आई बचा। अब आई क्या करेगा देखिए, सेकेंड स्टेप में आई क्या करता है, अब इसको ऑक्सीजन के को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए इसके ऊपर एक लोन पेयर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि और नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, यहाँ का एक लोन पेयर प्रोटॉन से रिएक्शन करके बांड बना चुका है, एक ही लोन पेयर है, इसको एक लोन पेयर की ज़रूरत है। अब एक लोन पेयर कैसे मिलेगा, बांड का होमोलॉजी हेटेरोलॉजी फ्यूजन से ही मिल सकता है। अब यहाँ पर दो तरह के बांड हैं, कौन सा बांड टूटने वाला है देखिए, मैं ज़रा इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री इसी पर निर्भर है। पहले आप बांड को जानें कि कौन कमज़ोर बांड है, कौन टूट सकता है। यहाँ का ये बांड sp2 कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है, sp2 कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ का जो यह जो इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो sp3 कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस बॉन्ड के अंदर एक करेक्टर है, रिजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर CO के बीच एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। एग्जिस्ट बिटवीन CsP2 ऑक्सीजन बॉन्ड, CsP2 ऑक्सीजन बॉन्ड, ये C और O, तो CsP2 ऑक्सीजन बॉन्ड के अंदर कौन सा बॉन्ड, कौन सा करेक्टर है, डबल बॉन्ड करेक्टर, इसलिए यह बॉन्ड नहीं टूटेगा। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर, सिंगल बॉन्ड करेक्टर, सिंगल बॉन्ड करेक्टर, तो आप बताएं आप कि सिंगल बॉन्ड टूटने वाला है कि डबल बॉन्ड टूटने वाला है। उत्तर बहुत सिंपल है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यह बॉन्ड टूटेगा, नहीं कैसे टूटेगा, हेटेरोलिटिकली टूटेगा, यहाँ से ऐसे टूटेगा, यहाँ पर मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, और मिथाइल कार्बोकेटाइन जब निकलता है बाहर तो ये इससे रिएक्शन करता है, मिथाइल आयोडाइड बना देगा, फिनाइल बना देगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, यह जो निकलेगा वो उसके साथ आई माइनस के साथ चला जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन फोर, ये दिया हुआ किताब में और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, OH हो गया और इसके साथ साथ CH3 हो गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन। आंसर भी बता दिया आपको, एक्सप्लेनेशन भी बता दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए यह एनिसोल है, ईथर है, HI से इसका रिएक्शन हो रहा है, तो प्रोटोनेशन होता है, यहाँ पर प्रोटोनेशन से OH बांड बनता है, ऑक्सोनियम आयन बनता है, आयोडाइड आयन एक बेस है, उन्हें से निकल जाती है बाहर। अब यह जो ऑक्सोनियम आयन है, इसका करेक्टर देखिए कि ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और रिगेन करने के लिए CO बांड टूटेगा, तो CO बांड दो है, एक CsP2 कार्बन ऑक्सीजन बांड है और sp3 कार्बन ऑक्सीजन बांड है, तो कौन सा बांड कमज़ोर बांड है, ये बांड कमज़ोर है क्योंकि इसके पास डबल बांड करेक्टर नहीं है, यह बांड स्ट्रांगर है रेजोनेंस के कारण,
इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, इसलिए सी एस पी टू ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, यह नहीं टूटेगा, यह बॉन्ड टूट जाएगा, यानी सी एस पी थ्री ओ बॉन्ड इज वीकर, ये टूट जाएगा। जब टूटेगा तो मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, वह मिथाइल कार्बोकेटाइन आयोडाइड आयन से इंटरेक्ट करेगा, मिथाइल आयोडाइड बनेगा और आपका प्रोडक्ट फिनॉल देगा। तो दिस ये आपका आंसर हो गया। तो ये चार सवाल थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। एक पांचवा सवाल है जो पेपर क्रोमेटोग्राफी से संबंधित। पेपर क्रोमेटोग्राफी, लड़के जब पेपर क्रोमेटोग्राफी का नाम सुनते हैं तो थोड़ा घबराते भी हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी के नाम पर थोड़ा घबराते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का सवाल सबसे सरल सवाल, हम क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं। क्वेश्चन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एंड चौथा है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। आपको ये जानना है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी कौन सा है, इन चारों में से पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। पहला तो ये जाने कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, लड़के तो क्रोमेटोग्राफी ही नहीं समझते। बहुत सिंपल है, आप ग्राफ तो बना लेते हो, आपका ग्राफ बनता है, कभी सीधी रेखा आती है, कभी ऐसी रेखा आती है, कभी स्ट्रेट रेखा आती है, आप ग्राफ बनाना जानते हो। जब ग्राफ के ऊपर रंग दिखाई देने लगे, जब ग्राफ की लाइन में कंपोनेंट्स के कलर दिखाई देने लगते हैं तो उस ग्राफ का नाम ग्राफ नहीं होता, उस ग्राफ को क्रोमेटोग्राफ कहते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, ऐसा ग्राफ जिसमें कंपोनेंट के कलर दिखाई देते हों उन्हें हम क्रोमेटोग्राफ कहते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी है, कलर दिखाई देगा, तो किसका कलर दिखाई देगा, कंपोनेंट का कलर दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कंपाउंड जो मिक्सचर के रूप में होते हैं या कंपाउंड का जो मिक्सचर होता है, जब उनको सेपरेट करते हैं तब कलर दिखाई देता है। और एक कलर या तो सिधाई में दिखाई दे, एक चीज इस ऐसे रेखा में दिखाई दे, या ऐसे रेखा में दिखाई दे, या किसी भी एक्सिस पर दिखाई देता है वो। तो अब पार्टीशन में होता क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी जनरली उसके लिए यूज करते हैं जहाँ पर कंपोनेंट कंपाउंड का मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर को पेपर पर रखते हैं। जैसे हम पेपर आंसर पहले बता दें कि ये सही आंसर, पहला ऑप्शन सही है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। ये है क्या, ये हम आपको डायग्राम बना के समझा रहे हैं। ऐसे एक पेपर का टुकड़ा लेते हैं, ये पेपर का टुकड़ा है, ये सिंपल फिल्टर पेपर का टुकड़ा ले सकते हैं ये। इसको क्या करते हैं कि मिक्सचर यहाँ पर है, ओरिजिन है, मिक्सचर है, मान लिए इसमें तीन तरह के मिक्सचर हैं, ए है, बी है और सी कंपाउंड का मिक्सचर है। इसको करते क्या है कि एक सॉल्वेंट के अंदर इस पेपर को रख देते हैं, फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफी पेपर कर सकते हैं, और क्रोमेटोग्राफी पेपर
क्रोमेटोग्राफी पेपर रख देते हैं। इस मिक्सचर तीनों का भी मिक्सचर या उसका एक किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके उसका एक ड्रॉप यहाँ बना देते हैं, ओरिजिन हो गया ये मिक्सचर है, ओरिजिन पोजीशन हो गया। अब इसको किसी सॉल्वेंट में रख देते हैं, सॉल्वेंट इसके ऊपर रन करता है। सॉल्वेंट कौन किस किस चीज़ का मिक्सचर हो सकता है, H2O का मिक्सचर हो सकता है, एसिटिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटेनॉल भी यूज़ करते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2OH, ये तीन सॉल्वेंट का एक मिक्सचर बनाते हैं, उसी में इस पेपर की कटिंग को रख देते हैं। अब यह जो सॉल्वेंट है ये सब मिल करके इसका एक फेज होता है, जिसे हम ये मोबाइल फेज बनाता है, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज का मतलब क्या है, जैसे चौक है, चौक चौक पर आपके एक टिप पर दो तीन ड्रॉप पानी रख दीजिए, वो फैल जाता है, फैल कर कुछ दूरी तक जाता है, क्योंकि वो पोरस होता है। उसी तरह से जो पेपर फिल्टर पेपर है या क्रोमेटोग्राफी पेपर है उसके अंदर पोर्स होते हैं, जब किसी सॉल्वेंट के अंदर उसको रखते हैं तो उस पोर्स की सहायता से कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन की सहायता से ऊपर चढ़ता है। जब ऊपर चढ़ता है तो यह जो पेपर है ये बनाता है आपका स्थिर पेपर, यह स्टेशनरी फेज बनाता है, यह स्टेशनरी फेज है। और जो सॉल्वेंट है ये मिक्सचर का, सॉल्वेंट इसको कहते हैं, सॉल्वेंट मिक्सचर, सॉल्वेंट मिक्सचर है ये सॉल्वेंट मिक्सचर ऊपर चढ़ता है, इसलिए इसको कहते हैं मोबाइल फेज है। तो दो फेज बनती है, एक स्टेशनरी फेज, याद रखिए ये स्टेशनरी फेज है, और यहाँ पर मोबाइल फेज है। इन दोनों फेज पर क्या होता है, मान लिया कंपोनेंट एक यहाँ आ गया, एक कंपोनेंट यहाँ चला गया, एक कंपोनेंट यहाँ चला गया, मान लिया एक कंपोनेंट ए है, मान लिया बी यहाँ चला गया, अब मान लिया सी यहाँ जा चला गया। इसको करते क्या है कि फिर जब रन कर लेता है सॉल्वेंट ऊपर तक चढ़ जाता है तो इसको बाहर निकाल के सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद किसी निनहाइड्रीन जैसे कंपोनेंट कंपाउंड के अंदर डाल देते हैं, तो वहाँ पर पिगमेंट दिखाई देते हैं, कलर दिखाई देते हैं, क्रोमो दिखाई देता है। उस कलर के आधार पर हम पहचान लेते हैं कि मिक्सचर में जो ABC प्रेजेंट है वह कहाँ चला गया, तो ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया और सी यहाँ तक चला गया। तो इनका पार्टीशन हो गया, इनका क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। जैसे दो भाई आपस में झगड़ा करते हैं, घर का पार्टीशन हो जाता है, उसी तरह से यहाँ दो फेजों में झगड़ा होता है, स्टेशनरी फेज है और मोबाइल फेज है, इन दोनों के बीच संघर्ष और झगड़ा होता है। होता क्या है कि मिक्सचर सेपरेट हो जाते हैं, तो ये इसको कहते हैं पार्टीशन, मिक्सचर का पार्टीशन बिटवीन टू फेजेस, वन फेज इज स्टेशनरी यानी पेपर फेज एंड अदर फेज इज मोबाइल। तो प्रिंसिपल क्या है, यानी एग्जाम्पल किसका है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। तो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में मिक्सचर का सेपरेशन पार्टीशन कहलाता है, इसलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जाम्पल है। तो दिस इज सफिशियंट फॉर द क्वेश्चन रिगार्डिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इन डिटेल आई विल एनी टाइम थ्रो लाइट इन माय एनी वीडियोस, यू कैन सी लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब इट।